खबर कवर्धा से है, जहां इन दोनों बिजली की समस्या शहर से लेकर गांव तक बनी हुई है। चार दिन पहले तेज आंधी के कारण यहां 300 से अधिक विद्युत पोल गिर गए, जिसे आज तक दुरुस्त नहीं किया गया। बार बार हो रही ट्रिपलिंग से लोग हलाकान हैं। वनांचल के 200 से ज्यादा गांव की विद्युत व्यवस्था ठप हो गई है। अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा से कांग्रेस की विफलता बता रही है, तो उधर विद्युत विभाग का कहना है कि व्यवस्था ठीक करने के लिए 10 दिन का समय और लग सकता है। समझदार हूँ, जब से मुझे समझ में आया है तब से मैंने नहीं देखा है कि मैं एक घंटा आधा घंटा से ऊपर कभी लाइट कवर्धा में गोल तो नहीं हुई। वो कभी विरले कभी हुई है तो एक आध दो घंटा, लेकिन ऐसे कभी नहीं हुई है। आज 8 घंटे 7 घंटे डेली लाइट गोल होना मतलब एक दुर्भाग्य का विषय है।